फैसला हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, और ऐसे देश में 45 अलग अलग स्थानों पर 71,000 हमारे लोगों को, नौजवानों को रोजगार भुखरी का पत्र है, उनको हैंडओवर करने का फैसला आज इस चौथे चरण का हुआ है। और पूरे इससे 2023 के अंदर हमारा 10,00,000 लोगों को रोजगार देने का हमारा टारगेट है, और हमारा ये चौथा चरण अभी शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी का एक नए इनिशिएटिव के साथ में, नए आइडियाज़ के साथ में लोगों को बहुत पारदर्शी तरीके से रोजगार देने का ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं सभी हमारे नौजवान साथी मित्रों की ओर से भी मैं बहुत बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आपने एक इच्छा शक्ति देश के नौजवान लोगों के साथ आपने प्रदर्शित किया है। इसके कारण आज बड़ी संख्या में लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं, और आज ये चौथे चरण का काम हमारे वाइजेक विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत प्रधानमंत्री जी को इसके लिए सभी हमारे नौजवान रोजगार मित्रों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये जिस समय लिस्ट हुआ है, एक प्रोसेस है। देखिए, इसमें आज की तारीख में कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। जब कोई नया यूनिट प्रारंभ होता है तो लोगों को ऐसा लगता है, आज इसी प्रकार की परिस्थिति वाईजेक के अंदर है, आरएनएल के अंदर है। मैं आपको इस बात के लिए ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का आज के समय में, आज की तारीख में कोई ऐसा कोई हमारी कोई इच्छा नहीं है, और ना इस प्रकार का कोई प्रोसेस है। इसको मुझे लगता है हम और बेहतर हम इसके लिए आने वाले समय में करने वाले हैं। इनके लिए जो संभावनाएं बन रही है, माइनिंग का जो हमारे सामने प्रॉब्लम था वो भी हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये अपने आप में आगे रन करेंगे। उनने कहा है, मुझे अभी हमारे CMD ने कहा आज मैं बैठक करने वाला हूँ, उनका अपना एक विषय है, उन्होंने कहा है कि सपोर्ट करने के लिए, और हम इसके लिए बात करेंगे आगे।